जसमान का जो न्यू एल्बम आने वाला है उसको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ दो रीजन जिसकी वजह से जसमान का जो न्यू एल्बम है वो सबसे बड़ा हिट होने वाला है। लाइक लव थंडर एल्बम से तो बहुत ही अच्छा होगा जसमान का अपकमिंग एल्बम। फर्स्ट रीजन है एक ईयर बाद सॉन्ग देना। लाइक आपने देखा होगा जसमान ने जब से अपना लव थंडर दिया उसके बाद सॉन्ग ही नहीं दिया। एंड ऐसा जो फैंस है वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से जसमान का इंतजार कर रहे हैं कि जसमान कब नया सॉन्ग देगा नया सॉन्ग देगा करके। एंड फाइनली एक साल बाद जसमान का एल्बम देगा तो भाई डिफिनेटली बात यही है कि भाई जो फैंस है वो टूट पड़ेंगे जसमान के न्यू एल्बम को देखने के लिए। जब एल्बम आएगा तो जसमान के जो फैंस है वो टूट पड़ेंगे एल्बम को देखने के लिए। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करेगा जसमान का न्यू एल्बम ओनली ऑन एक ही रीजन, जसमान ने साल भर कोई सॉन्ग नहीं दिया। सेकेंड है एल्बम वर्किंग 1 ईयर टोटल कोलाब्रेशन। जहाँ पे देखा जाए तो जसमानक ने पूरा का पूरा एक एक साल लगा दिया एल्बम को बनाने में। एंड कहीं ना कहीं जसमानक एक साल लगा दिए हैं, मतलब कि सोच सकते हैं कि भाई एक साल यानी कि पूरे के पूरा 12 महीना लगाया है। एंड ऐसे में कैसे कैसे लिरिक्स लिखे होंगे जसमानक वही जाने। एंड इस एल्बम पे कोलाब्रेशन भी होगा बिकॉज एक साल से वर्क कर रहा है तो ऐसे ही तो जाने नहीं देगा जसमानक। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लव थंडर से तो अच्छा रहेगा जसमानक का न्यू एल्बम। जसमानक ने एक साल से एल्बम में या फिर कुछ भी म्यूजिक वीडियोस में काम नहीं किया। एंड जो फैंस है वो देख देख कर बोर हो चुके हैं उनके ओल्ड सॉन्ग्स को। एंड जसमानक को मिस कर रहे हैं कि जसमानक नए सॉन्ग्स कब बनाएगा। एंड फाइनली जसमानक का एल्बम आ रहा है तो भाई पक्का यकीन है कि लव थंडर एल्बम से तो बेटर एंड अच्छा चलेगा जसमानक का न्यू एल्बम।